और सालों में प्रयास आया है, धीरे धीरे न्यूज प्रिंट लिखना शुरू हुआ है। और तब के बाद से हम देखेंगे हमारा देश में 1800 शताब्दी के बाद जो शुरू हुआ है, सिर्फ हम लोग अभी बोलते जनता के आवाज है, जनता के आवाज नहीं थे, जनता के आवाज अभी बोलते हैं। तब क्या थे? तब हमारे देश में जो लड़ाई करने वाले जो साथियों का संग्रामी है, ये राजबीरी बसु, सुभाष चंद्र बोस, जितेंद्र दास, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे जो बड़े बड़े हस्ती थे, इनके जो मैसेज है देश के लिए, वो मैसेज उनके थ्रू जाते थे। मतलब वो लोगों का जो मैसेज है, वो रिपोर्ट के मतलब न्यूज़पेपर के काम था, उन्होंने क्या बोलते थे वो पूरा देश को जनता तक पहुंचाना है, ये था। बाद में आप देखिए हमारे जो स्वाधीनता के बिल्कुल जब करीब आया है, काजी नजरुल इस्लाम ने जो लिखा है, इसे बहुत सारे लिखा था, उस लिखा में लोग बोलते थे उनके लिखने में जो गोले और जो बारूद के बदबू आते थे, इसलिए विद्रोही को भी नजरुल बोला जाता था। तो उन्होंने क्या लिखते थे? उन्होंने लिखते थे साम्यवाद के लिए बोलते थे, इक्वलिटी के लिए बोलते थे, उन्हें बोलते थे जातिवाद के खिलाफ लिखते थे, उन्होंने बोलते थे ब्रिटिश को कैसे भगाया जाए, वो लिखते थे। तो आज ये जरूरत है क्या? आप लोग सब लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग है, देशभर से आए, आप पता ही हो उसी विषय आज लिखना जरूरी है, आज उस विषय जरूरी नहीं है। किसी तब ब्रिटिश का तब शोषण था, तब जातिवाद ज्यादा था, इसलिए वो लिखा जाता था। आज क्या प्रॉब्लम लिखना है? आज हमारे यहाँ पे सबसे बड़े प्रॉब्लम, आज वाटर लेवल नीचे जा रहा है। आज देखिए 5 जून हम लोगों ने इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे मनाया है। आप एक बार सोचिए, आप दिल को, यह जितने सारे इधर बैठे और सामने बैठे हैं, मैं सबको बोलता हूँ, एक बार आप लोग सोचिए, ये 50 साल हुआ है, 50 साल पहले शुरू हुआ था इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे। तो 50 साल में हर साल हर ऑर्गेनाइजेशन, ये स्कूल हो, कॉलेज हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, आप पेड़ लगाते हो, वृक्ष लगाते हो, तो लगाए तो कितना बचा है? आपने हर साल 10 पेड़ लगाया होगा तो 50 साल में 500 पेड़ होना चाहिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन के सामने है क्या 500 पेड़? 5 पेड़ भी नहीं है। इसलिए वो दिल से नहीं किया, लगाया सिर्फ, वो फोटोग्राफी हुआ, अभी वो सिर्फ दिखाने के लिए हुआ है। तो वो प्रॉब्लम आज लिखना है क्या? जब काजी नजरुल ने लिखा था ब्रिटिश को भगाने के लिए, तो आज ये लिखना कौन सा जरूरी है? आज हमारा वृक्ष बाचे उसके लिए भी लिखना है, ये भी हमारे जो राइटर लोग हैं इनमें भी हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ हमारे फ्रीडम के लिए और जनता के लिए नहीं है, देश के भी लिखना है और ये दुनिया को बचाने के लिए भी लिखना है। ये हमारे सामने आज प्रॉब्लम है। आज दिल्ली सिटी में 500 फीट नीचे वाटर लेवल है, वहाँ पे कोई भी पानी के बोरिंग कराया जाए 500-550 फीट नीचे बोरिंग करना पड़ता है। ये हमारे लिए कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए आने वाले टाइम के लिए प्रॉब्लम नहीं है क्या? हमारे त्रिपुरा में 300 फीट नीचे पानी जा चुका है, तो ये कौन लिखेगा? किससे ये आवाज उठेगा? ये आपसे उठेगा। ये हम नेता लोग, हमारे जो कमी आप लिखेंगे, लेकिन उसका समाधान भी लिखना पड़ेगा। उस तभी ये जो हम लोग जो सोचते हैं, आपके जो एक लोगों के मन में जो भावना है सांवादिकों के लिए, जो इतना रेस्पेक्ट है, जो इतना लड़ाई, इतना आज़ादी के लिए आप लोगों ने इतना काम किया है, सिर्फ आज हम लोग बोलते हैं जो सरकार के नेगेटिव साइड उठाने के लिए, ये नहीं है, ये तब सरकार बनाने के लिए, देश से ब्रिटिश को भगाने के लिए भी आप लोगों ने साथ दिया है, सांवादिकों ने साथ दिया है, इसलिए आप लोगों के जो सम्मान है वो भी बरकरार रहे। हम लोग बोलते हैं ये बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, मैं सुना जैसे ये लोग देश विदेश में जाते हैं, आज भी यूरोपियन बहुत सारे देश है जो किसी के बारे में लिखने का पहले उसे पूछा जाता है, आपके नाम पे एलिगेशन आया कि सच है क्या, बताइए आप, आपके आपके पक्ष रखिए। आज के डेट में हमारा बहुत सारे, मैं नहीं बोलता हूँ सब लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे रिपोर्टर लोग ये पूछते नहीं है जो आपके नाम पे एलिगेशन आया है, आप बताइए सही क्या, कोई भी कुछ लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम भी हमारे जब ये जो लिखनी और हमारे जो सम्मान है उसको भी बरकरार रखे, तभी ये जो सांवादिकता जिससे शुरू हुआ था देश के आजाद के लड़ाई के लिए, इसलिए नहीं है, हमारे जो सभ्यता, ये जो परंपरा शुरू हुआ है, ये भी बचे रहे, मतलब निरंतर रहे, उस दिशा से हम जाए। मतलब हिंदी मेरा थोड़ा खराब है, हिंदी बोलने का कोशिश करोगे तो हिंदी वाले ज्यादा समझने वाले हैं, तो हमारे सबके कोशिश रहना चाहिए। हमारे प्रदेश में आप लोग आए, मेरे को